हेलो फ्रेंड्स, आरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको बताया था होम टैब के बारे में। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होम टैब के बारे में, होम टैब में जितने भी आपको यहाँ पे टैब हैं सारे हम आपको क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको डाउट है थोड़ा सा भी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंसर्ट टैब के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा। इंसर्ट टैब में एक एक करके आपको कवर करेंगे, जैसे कि कवर पेज। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कवर पेज, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में कवर कर दूंगा दोस्तों। ओके, उसके बाद आपको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टेबल क्या होता है, पिक्चर क्या होता है, ऑनलाइन पिक्चर क्या होता है, सेव क्या होता है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये जितने भी आप यहाँ पर जो टैब देख रहे हैं सारे के एक एक करके एक एक क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं चाहता दोस्तों तो इंसर्ट के टैब में, इंसर्ट टैब में सारा एक दिन भी कवर कर सकता था एक चैप्टर में, एक वीडियो में, लेकिन मैंने चाहना कि पहले आपको एक एक करके कवर करूं, इसलिए मैं आज की इस वीडियो में कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी कंप्यूटर सीख सकें दोस्तों। तो पेज कवर क्या होता है, कवर पेज क्या होता है, सबसे पहले बात हम लोग जान लेते हैं कवर पेज हम लोग सीखना क्यों जरूरी है ना। देखिए, आपको योर डॉक्यूमेंट विल मेक ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन विथ अ स्टाइलिश कवर पेज। जब आप किसी तरह का आप जो है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो सबसे पहले कहा जाता है कि आपको जो पहला पेज क्या बनाना होगा, कवर पेज बनाना होगा। अगर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ओके, अगर आपका कवर पेज बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्टाइलिश है, तो इतना ही में आपको 100 का 100 नंबर नहीं तो 99 नंबर मिल सकता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग को मॉडिफाइड करके कवर पेज को डिजाइन किया जाता है। कवर पेज बहुत ही जरूरी है, किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले हम लोग कवर पेज उसको डिजाइन करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कवर पेज कैसे डिजाइन किया जाता है दोस्तों। ओके, तो ये जो है आपको वर्जन मैं 2030 बता रहा हूँ, ये 2007 से ऊपर वाले में सारे वर्जन में ये उपलब्ध है दोस्तों। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं कवर पेज पे आपको यहाँ पे जो कवर पेज है आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इस कवर पेज पे आपको सिंपली तरीका से क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर दिएगा कवर पेज पे, क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है मैनुअली यहाँ पे आपको कवर पेज मिल जाएंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। ओके, तो इसमें से आप कोई भी एक कवर पेज को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे लगा देना है, और उसको कैसे हम लोग एडिट करते हैं आज की इस वीडियो में जानते हैं। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, इस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ से ऑनलाइन भी कवर आप जो है पेज को ले सकते हैं, लेकिन आपके जो है लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप पे इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कोई सा भी एक कवर पेज लेकर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जो है, जैसे कि ये कवर पेज जो है देख रहे हैं अपना, ये कवर पेज मैं ले लेता हूँ, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है कवर पेज इस तरह से आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइटल है ना, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी टाइटल है उस टाइटल को आपको यहाँ पे लगा देना है। जैसे कि मेरा टाइटल है, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ आपको वर्क प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दिया वर्क प्रोजेक्ट, या जिस भी मकसद से आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं नीचे में, तो यह यहाँ पे जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सब टाइटल, तो या एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है आप कुछ भी अपना सब टाइटल वगैरह यहाँ पे देख दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे सारा प्रोजेक्ट बनाकर आपको यहाँ पर सेव कर सकते हैं और इसमें इमेजेस भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और कवर पेज लेकर दिखाता हूँ, इसको मैं आपको सबसे पहले हम लोग कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, इसको मैं आपको यहाँ पर इसको क्या करते हैं, डिलीट हटा देते हैं इस पेज को। ओके, तो इस तरह से आपको क्लिक करना और यहाँ से डिलीट हो जाता है। मैं आपको फिर से जा रहे हैं आपको इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद कवर पेज में क्लिक करना है। कवर पेज में क्लिक करने के बाद मान लीजिए मुझे पिक्चर भी इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई अच्छा सा, जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मुझे ये चीज लगाना, तो यहाँ पे क्लिक किया है ना, तो यहाँ पे जो भी अपने तरफ से आप यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, जैसे कि वर्क प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पिक्चर चेंज करना है, मान लीजिए जो यहाँ पे ट्रेन का जो बोगी देख रहे हैं ट्रेन, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इसको चेंज करना है इस इमेज को, तो इसको क्या करना होगा, तो सिंपली तरीके से कुछ करना नहीं है, बस इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने पर आपको इंसर्ट में ही आप ऑलरेडी पिक्चर में आपको चले जाना है, जिस भी लोकेशन पे आपको पिक्चर है वहां पर आपको चले जाना है। ओके,
और जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं बहुत सारा पिक्चर होगा, तो यहाँ पे मैं इमेज पर क्लिक कर देता हूँ और मुझे ये पिक्चर या कोई भी पिक्चर को लगाना है, जैसे मुझे इस पिक्चर को लगाना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे सिंपली तरीके से इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, और यहाँ से आपको इसको डिलीट कर देना है और यहाँ से आप अपनी तरफ से इसको दोस्तों एडजस्ट कर लेना है। आपको इधर से बायां दायां लेफ्ट राइट करके आपको यहाँ से देख लेना है। ओके, तो इस तरह से जब आप जो है इंसर्ट पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ईयर है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप किसी पिक्चर को यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको आपको फोटो वगैरह में यहाँ पे कंपनी का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ RCI कंप्यूटर, है ना, RCI कंप्यूटर एजुकेशन। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे जो है टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत है, आपको कवर पेज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको जो है कवर पेज बना लेना है। ओके, तो इस तरह से आप कवर पेज आपको डिजाइन करना है। डिजाइन करने के बाद आपको सिंपली तरीके से फाइल पर जाना है। फाइल पर जाके आपको बस सेव एज या सेव पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है दोस्तों। बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, सेव कर देना है ना। चलिए मैं आपको सेकंड कोई और कवर लेकर दिखाता हूँ तो आपको क्या करना है। इसी तरह आपको बस यहाँ से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल को डिलीट करना है। जैसे कि फिर से हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको कवर पेज पर जाना है, यहाँ पे जो देख रहे हैं कवर पेज, और यहाँ पे जो है आप मिल जाएगा बहुत सारा कवर पेज। जैसे कि इसको मुझे लगाना, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जैसे इसको लगाना है इस पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे जो है अपने खुद से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर मैं इसमें कैसे इंसर्ट पिक्चर करूँ। यहाँ पे जो देख रहे हैं अपना, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, इस पर मैं पिक्चर कैसे इंसर्ट करूं, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट आपको पिक्चर पे चले जाना है। जो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पिक्चर, तो इस पर पिक्चर पे क्लिक कर देना है। पिक्चर करने के बाद आपको जहां जिस भी लोकेशन पे आपका पिक्चर है वहां पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे इंसर्ट किया, यहाँ पे देखिए पिक्चर यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है। अब इस तरह से आप राइट लेफ्ट यहाँ पे कर सकते हैं, तो इस तरह से जो है आप पेज कवर बना सकते हैं दोस्तों। देखिए कितनी खूबसूरत दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से आप जो है पेज को, कवर पेज को डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो मैं अभी बताया आपको इस यहाँ पे आपको कवर पेज के बारे में, और मैं अभी बताऊंगा आपको ब्लैंक पेज क्या होता है और पेज ब्रेक क्या होता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ब्लैंक पेज क्या होता है और पेज ब्रेक क्या होता है। ओके, देखिए ब्लैंक पेज क्या होता है। ब्लैंक पेज के मतलब होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे जो है पेज कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको ये नीचे में जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेज एक और दिख रहा है, अगर ये पेज नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ब्लैंक पेज पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे दूसरा पेज ऑटोमेटिकली चलाएगा दोस्तों। इसी तरह पेज ब्रेक का भी काम है ना, क्या करता है पेज ब्रेक का भी, अगर आपको जो है पेज ब्रेक से भी आपको क्या करता है कि दूसरा पेज लाने की कोशिश करता है, मतलब दूसरा पेज आ जाता है। तो कैसे आता है, तो सिंपली तरीके से क्या करना है, पेज ब्रेक पर क्लिक करना है। ओके, पेज ब्रेक पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए नीचे में दूसरा पेज आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो पेज ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का काम क्या होता है कि आपको पेज बाय पेज लाना, मतलब अगर एक पेज आप फुल कर चुके हैं, एक पेज आपका कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे पेज को आप ला सकते हैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करके, या पेज ब्रेक पे क्लिक करके आप दूसरा पेज को इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया कवर पेज और ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में दोस्तों। ओके, मैं आपको इंसर्ट टैब में आपको क्या बताया, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और कवर पेज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक मेरा चलेगा आपको टेबल के बारे में, हम लोग कैसे टेबल को हेड करते हैं, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही जानते हैं कि हम लोग इंसर्ट टैब में कवर पेज, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे टेबल के बारे में। तो आई होप कि वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।